गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम सब अच्छे हो घर पर हो सुरक्षित हो यस मैम वेरी गुड यस मैम हम्म चलिए आज हम थोड़ा सा अलग हट के आपसे बात करना चाहते हैं पाठ्यक्रम की चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहते हैं देखिए स्क्रीन शेयर हो गई है ना पूजा जी मैम ओके ओके क्यों नहीं मिल रहा है अभी हाँ ओके ये है आपका बी ए का द्वितीय वर्ष का चतुर्थ सत्र और इसमें आ गए हम श्रेष्ठ हिंदी एकांकी एक में आ, यह भी गद्य की विधा के बीच में ही आता है आप लोगों को पता होगा गद्य की अलग अलग विधा होती है उसमें आ, जैसे कहानी नाटक उपन्यास है ना तो वैसे ही एकांकी एक को भी आ, अत्यंत महत्वपूर्ण विधा के रूप में माना गया है यहाँ हम लोग देखते हैं कि एकांकी विधा क्या होती है जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कथित गद्य के माध्यम से गद्य की अलग अलग विधाएं यात्रा साहित्य हो हो, निबंध हो संस्मरण हो है ना इन सभी विधाओं से आप लोग परिचित हो गए थे अब हम यहाँ पर केवल एकांकियों के माध्यम से जिसे हम कहें वन एक्ट प्ले है ना मतलब आ, हम कहें कि आ, नाटक का एक छोटा रूप प्रारूप जिसे कहते हैं वह एकांकी के रूप में आ जाता है एकांकी क्या है आ, उसे हम आपको उसका विकास कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे उसके विकासात्मक परिचय के साथ परिचय करवा देंगे प्रमुख एकांकीकार है उन एकांकीकार का भी सामान्य परिचय आप लोगों के सामने होगा एकांकियों के माध्यम से रंगमजेता का जो प्रभाव है उसे विशद करने का हमारा प्रयास होगा अब पाठ्यक्रम का प्रारूप यदि हम लोग समझते हैं तो जैसे कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव की ओर से जो हिंदी अध्ययन मंडल है उन्होंने आपके बुक का नामकरण कुछ इस प्रकार से किया है श्रेष्ठ हिंदी एकांकी अः देखिए ये जो श्रेष्ठ हिंदी एकांकी है इस श्रेष्ठ हिंदी एकांकी के अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने एकांकियों का चुनाव किया है जिस प्रकार हम कहें ना कि फूलदान यदि आप लोगों को रखना है तो फूलदान के फूलों को आप कैसे सजाओगे कौन कौन से फूलों को फूलों को लेंगे आप लोग जैसे आपको अभी बताया कि पूजा है पूनम है रीना है नंदिनी है पाटिल पूजा है आप लोगों में से जाओ और आप लोगों में से जाओ और बहुत चुन चुन कर फूल लेके आओ तो क्या करोगे आप कैसे फूल लोगे छोटे वाले बड़े वाले या मुरझाए हुए जिसकी पंकु गिरी हुई है या गिरने वाली है कैसे फूलों का कर, चुनाव करोगे आप बताओ बड़े बड़े सुंदर और 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 कैसे फूल लोगे केवल बड़े लोगे अच्छी खुशबू आने वाले एग्जैक्टली yes, yes, exactly. अच्छी खुशबू वाले फूलों को आप लोग चुनोगे एक ने उसकी सुंदरता को देखा और दूसरे ने उसकी गुण को देखा क्लियर हो रहे हो आप अब देखिएगा कि जब हम हिंदी एकांकियों पर चर्चा करते हैं ये जो निर्धारित एकांकिया जो चुनी हुई है है ना मतलब जो तय की गई है कि इन्हीं को हमें चुनना है और इन्हीं को लेना है तो क्या ऐसा कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि पूजा ने देखा कि वो तो बहुत बड़ी है और नंदिनी ने कहा नंदिनी ने कहा ना किसने कहा कि उसकी खुशबू होनी चाहिए तो यस yes, मैम मैंने कहा यस yes. तो देखिएगा कि इन एकांकियों में भी ऐसी क्वालिटी है ऐसे गुण हैं कि जिन गुणों को जब भी आप लोग पढ़ोगे तब तो उन गुणों को केवल पढ़ना नहीं है, है ना केवल पढ़ना नहीं है तो हम यू कहेंगे कि उन गुणों को आपको आपके भीतर उतारना है हर एकांकिका के माध्यम से जितनी भी एकांकी आप लोगों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए होगी उन एकांकियों में से आपको सारा उस तौर पर कुछ न कुछ लेना है नहीं तो बस सिलेबस आगे बढ़ाते चले गए चाहे वो संत साहित्य हो चाहे वो एकांकिया हो चाहे वह नाटक हो चाहे संस्मरण हो अलग अलग विधा हो लेकिन हमने उसमें से क्या लिया दैट्स इम्पोर्टेंट है ना जैसे अभी अभी आपने कहा कि उन फूलों में से हम उनके गुणों को देखेंगे उनके खुशबू को देखेंगे मुझे ये बताइएगा कि क्या फूल बताता है कि देखो ये मेरी खुशबू है देखो देखो लो नहीं बताता क्योंकि तो वह अपनी खुशबू से उनकी खुद की एक पहचान बन जाती है ठीक वही पहचान आपकी बननी चाहिए कब बनेगी ये पहचान जब आप अपने अस्तित्व की पहचान कर पाओगे अब अपने अस्तित्व की पहचान कब होगी जब अपने आप को आप जानोगे स्व की पहचान आपको होगी और स्व की पहचान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन एकांकियों को बड़े प्यार से पढ़ना होगा पढ़ने के पश्चात उसे अपने माइंड में उतारना पड़ेगा माइंड में उतारने के पश्चात आपको उसके आपको रोम रोम में उतारना पड़ेगा आपकी धमनियों में बहने वाले खून के साथ उसे डालना पड़ेगा और वह जब होगा तब जाकर हम कहेंगे कि आपकी अस्तित्व की पहचान आपके स्व की पहचान सच्चे मायने में हो गए अब देखिएगा कि जैसे ये जो निर्धारित एकाओं किया है रामकुमार वर्मा से है विष्णु प्रभाकर जी से है जगदीश चंद्र माथुर जी से उदय शंकर भट्ट जी से आगे बढ़ते चले जा रहे देखिए ये इतनी है कितनी है काउंट करते जाइए आप एक, एक करके पहली है दीपदान अब दीपदान में क्या है दीप का दान करना है चाहे वह दीपदान मतलब एक किसी लड़के का दान होता है या दिया जो अपनी माँ अपने भगवान के सामने जलाती है।, उस का दान करना है लेकिन दान मात्र करना है चाहे वह दीपो का हो चाहे वह वो लड़के का हो चाहे वह दीपो का हो अब क्या होगा इस एकांकिका में आज पूरा नहीं बताएंगे इंट्रोडक्टरी सेशन में इन शॉर्ट में आप लोगों को कोई बताएंगे बस अब देखिएगा कि विष्णु प्रभाकर जी ने माँ मतलब हम कहेंगे कि अः मानव की जुवा में सबसे पहला आने वाला शब्द यही यदि कोई होगा तो वह है माँ मतलब इतना सुंदरतम शब्द है मां और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास विष्णु प्रभाकर जी ने कर दिया कई प्रकार की माँ का व्यक्तित्व तो होता है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी माँ को जिस रूप में अनुभव किया उसे उन्होंने अपने सामने रखा अब देखते हैं कि हर एकांकी एक में से आपने आप लोग क्या लेते हैं भोर का तारा अब जब हम जगदीश चंद्र माथुर जी की इस एकांकिका को पढ़ते हैं तो क्या ऐसा भोर का तारा उन्हें ऐसा फील होगा और देखिएगा कि शीर्षक भी उसी के अनुरूप होना चाहिए नए मेहमान उदय शंकर भट्ट अब ये जो मेहमान आते हैं मेहमान यानी एक दिन के लिए दो दिन के लिए अच्छे लगते हैं लेकिन ऐसे भी मेहमान होते हैं कि जिन मेहमानों को न तो पत्नी जानती है और न ही पति जानता है पर वो मेहमान बनकर हमारे घर में आए हैं अरे भाई एक दिन हो गया हमारे खाने पीने के खाने पीने के लिए हमारे पास धन नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है ये मेहमान बनकर आए हैं इनको नई नई चीजें कहा से लेकर आएंगे एक उत्तम परिचायक बन जाता है इस एकांकिका को जब आप लोग पढ़ेगा तब एकांकी को पढ़ते समय भी मजा आता है एक व्यंग्यात्मक एकांकी के रूप में हमारे सामने आती है बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश ने यह सवाल ही प्राप्त करवा दिया कि क्या ऐसा होता है कि बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया जान से प्यारे कौन होता है जान से प्यारे मतलब देखिए कि जान से प्यारे तो मां भी होती है टीचर्स तो शायद ही होंगे जान से प्यारे अपने ही होते हैं आप देखिए है, ममता कालिया ने जान से प्यारे किसे कहा और क्यों कहा तो उपेंद्रनाथ अश्क जी की अगले एकांकी है तौलिया अब इस का के माध्यम से उपेन्द्रनाथ अश्क इस प्रकार का छोटा शीर्षक क्यों दे देते हैं बस तौलिया रख दिया और छोड़ दिया तो इन एकांकियों में क्या है इन एकांकियों के माध्यम से एकांकिका में क्या सीख देना चाहते हैं छोटी मछली बड़ी मछली एक तो बस केवल उन्होंने मार्मिकता से प्रतीक दे दिया हम सबके समूह और छोड़ दिया कि छोटी मछली क्या होती है और बड़ी मछली क्या होती है छोटी मछली कहीं पर भी चली जाती है और बड़ी मछली किस प्रकार फंस जाती है इस प्रकार से डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी की द्वारा लिखित यह एकांकी बड़ी सुंदर है मार्मिक एकांकी है देवदान भी बहुत अच्छी है आप लोग यह मानते हुए चलिएगा कि आपको बहुत ही सुंदर इस में पढ़नी है जितना मजा मजा लिया में आप लोगों ने या नहीं लिया लिया मैम हाँ एंजॉय किए लेक्चर को या बोर हो गए नहीं मैम एंजॉय किए एंजॉय किया वेरी गुड नहीं तो हम सोचेंगे कि बस केवल हम ही बोलते चले जा रहे हैं आपको शायद बोर हो रहा है जमाइया आ रही है मम्मी घर गर्मा गर्मा पकौड़िया बना रही है और आपका चित्त पूरा उधर है कहीं ऐसा मत होने दीजिएगा है ना तो घर में रहे सुरक्षित रहे लेकिन घर में काम करते करते लेक्चर्स नहीं करना है बल्कि हम यू कहें कि आपका चित्त पूरा लेक्चर में होना चाहिए होमवर्क भी देते जाएंगे कि जो आज का लेक्चर्स में हुआ है वह आपकी कॉपी में लिखा हुआ हो क्योंकि बस केवल दो तीन दिनों की बात है पंद्रह तारीख को हम सभी लोग रूबरू होने वाले हैं हो सकता है कि पंद्रह तारीख से हमारा ऑफलाइन मोड शुरू हो जाए तब आप लोगों को आना है लेक्चर्स के लिए ठीक है, यस yes, मैम। कोई yeah. किसी तैयारी नहीं है ऑफलाइन आने की ऑफलाइन आने की तैयारी है या नहीं है मैम। hey, हाँ हाँ बस एक दो की आवाज है बाकी के लोग सो गए क्या? हाँ ठीक है ठीक है अब देखिए पहली इकाई में आप लोगों को ये बुक देखनी है आज हो सकता है तो आज आपको एकांकियों के बुक को और हाँ एकांकी की बुक ही आपको आपके गूगल क्लासरूम पर मिल जाएगी सिलेबस आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम पर वो आपको लिख लेना है कितनी एकांकिया है आपको दीपदान माँ भोर का तारा नए मेहमान चार चार हो गए ना पांच बहुत बड़ा आठ है आठ 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 एकांकिया है और उन एकांकियों को आपको बहुत अच्छे से आज का होमवर्क आपके लिए होगा कि लगा लेना है का अश्क, का तेजपाल चौधरी भोर का तारा उदय शंकर भट्ट नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो हाँ वेरी गुड मतलब आप यही पर हो बहुत अच्छा लगता है जब हम गलत कहते हैं और आप लोग चुपचाप उसे लिख लेते हो। है ना और एक ही बंदा वहां पर जागृत रहता है और कहता है नहीं मैडम आप तो बहुत गलत बता रहे हो ये तो इसका ये नहीं है है ना तो पेज भी आप लोगों को वैसे करना चाहिए बेटा उसी के अनुरूप आप लोगों को रहना चाहिए तो नामकरण मतलब एकांकी और एकांकीकार को आज की तासिका में रट्टा लगा लो आठ ही है आठ और आठ सोलह बस इसे लर्न करके रखिए और कल की तासिका में आपको ये सारी जानकारी आपको बतानी है कि कौन कौन सी एकांकिया है कौन कौन से एकांकीकार है इज दट क्लियर Yes, हाँ. yes, देखिए होता है अब प्रैक्टिकल कैसे अब तक तो ये प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों के लिए शायद ही नहीं था अब हिंदी की जो काल एकांक किया है उसे आपको पढ़ना होगा कौन कौन से कालजय कालजय मतलब क्या तो पहले उस शब्द को समझिए क्या है कालजय कालजय का मतलब होता है उस काल पर जय प्राप्त विजय प्राप्त करने वाली एकांकी है और उस एकांकी का आपको सामान्य रूप से परिचय करना है ऐसे कौन कौन सी कालजय एकांकिया है कि जिन एकांकियों को हम लोग पढ़ते हैं तो वह कालजय बन जाती है उस जमाने में लिखा था उन लोगों ने लेकिन आज भी वह कालजयी बन गई क्या ऐसा होता है कि वह आज भी हमें प्रासंगिक लगती है तो ऐसी एकांकियों का सामान्य परिचय आपको करना है वर्तमान दशक में प्रकाशित एकांकी की कथा वस्तु का विवेचन मतलब आज के दशक में वर्तमान दशक में कौन कौन से ऐसे एकांकिया हुई जो प्रकाशित हो गई है उनकी कथा वस्तु को आप लोगों का आप लोगों को विवेचन करना है वर्तमान दशक के प्रमुख कौन से हैं उनका स्थूल परिचय प्राप्त करना मतलब इस दशक में है ना प्राचीन काल में या ऐतिहासिक एकांकियों को हम लोग नहीं देखना चाहते आज के वर्तमान दशक में कौन कौन से ऐसे मूल एकांकी कर रहे हैं तो उन एकांकी कारों का स्थूल परिचय प्राप्त करना है एक अल, अ, अ, अगला है ऐतिहासिक एकांकी के मंचन में आने वाली समस्या क्या ऐसा होता है कि राजे शिवाजी की बात यदि हम लोग करते हैं तो शिवाजी राजे को रूबरू करने वाली एकांकी को, को यदि हम लोग रखते हैं तो राजे शिवाजी ने जींस पहन ली एकांकिका का, -का मंचन कर रहे हैं तो राजे शिवाजी के पास बहुत बड़ा टैब है लैपटॉप है और वो चल रहे हैं एक्सेप्ट करोगे आप ऐसे एकांकी एकांकी में ऐतिहासिकता को नो no, मैम क्यों? क्यों नहीं क्या होगा अरे ठीक है हम यदि करते हैं पुराण युग में चले जाते हैं तो हमारी जो सीता मैया है है ना तो सीता मैया को हम वैसे न दिखाते जैसे रामायण में दिखाया गया है बल्कि हम यू दिखाते कि वो जीन्स और छोटा सा टॉप पहनी हुई है हाथ में उसके भी मोबाइल है और वह चल रही है आगे पीछे दौड़ रही है लड़के के पीछे या किसी बाइक पर बैठी हुई है डू तो एक्सेप्ट दिस पर्सन क्या आपको उसे सीता के रूप में आत्मसात करोगे आप नो no, मैम नहीं करोगे <laughs> क्या होगा कि जो मंचन उसे करना है एकांकी के मंचन के रूप में जो अभिनेता अपना अभिनय कर रहा है उसकी वेशभूषा भी वैसे होनी चाहिए और जब उसकी वेशभूषा वैसे होती है उसकी भाषा वैसी होती है तो एकांकी का जो रंगमंच मंचन में कई प्रकार की समस्या नहीं आती है लेकिन जब ऐतिहासिक एकांकी की बात करते हैं तो ऐतिहासिक एकांकी के मंचन में कई प्रकार की समस्याएं आती है इस प्रकार की समस्या आती है वह हम लोग उस लेक्चर बीच में देखें नेक्स्ट आपका पॉइंट है राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मंचित होने वाली एकांकी प्रतियोगिता की रिपोर्ट तैयार करना अब देखिए स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर क्या ऐसी एकांकियां मंचित हो जाते हैं आप लोग देखते होंगे या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन एकांकियां यदि हां आप लोग पुरुषोत्तम करंडक हमारे महाविद्यालय के लड़कियों के ग्रुप में यदि आप लोग देखते हैं आगे पीछे की बैच को यदि पूछताछ करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पुरुषोत्तम को प्राप्त करना मतलब एक बहुत उच्च कोटि की प्रतियोगिता को हासिल करना है ना आ, मतलब अब आप लोग गए हो शायद एफओ आई में गए हो आपको चांस मिला हो देखने का सुनने का अभिनय करने का तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं गए हैं तो जब भी अपने महाविद्यालय में प्रतियोगिता होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जरूर आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और नहीं पार्टिसिपेट होता है आपसे तो उसे कम से कम देखने के लिए जरूर जाइएगा आपके लड़कियों के साथ भले आप मेन कैरेक्टर के रूप में नहीं अदर कैरेक्टर के रूप में गौण पात्रों के रूप में ही क्यों ना हो आप उसमें सम्मिलित होने चाहिए पार्टिसिपेट आप लोगों को उसमें करना चाहिए तो ये जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का जो एकांक के प्रतियोगिता होते हैं उसके रिपोर्ट आप लोगों को बनने मतलब रिपोर्टिंग जो होता है वो रिपोर्टिंग आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग तैयार की जाती है तो इस प्रकार का प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों को करना है और पांच प्रैक्टिकल वर्क के लिए आप लोगों को दिया गया है और हां आ गया यह पुरुषोत्तम करंडक युवा रंग हम लोग कहते हैं यूथ फेस्टिवल युवाओं का युवा रंग मतलब और कुछ नहीं होता वहां पर केवल 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 एंजॉयमेंट बस अपनी कला को प्रदर्शित करो करते रहो जितनी भी सुप्त कला है जैसे संडे एक्टिविटी में आप लोग करते हो ना अलग अलग कलाओं के साथ आप लोग सजे जाते हो बस वैसे युवा रंग होता है कहीं पर भी आप लोगों को हम कहें कि इतने सुंदर संस्कार इतनी सुंदर हमारी संस्कृति तो हमारी संस्कृति और संस्कारों का परिचायक यदि जिसे मानते हो उसे हम युवा रंग मानते हैं मतलब युवाओं के रंग में जो रंग जाता है उसे हम युवारंग कहेंगे युवा रंग में और पुरुषोत्तम करंडक में प्रदर्शित होने वाली हिंदी एकांकिका का हमें विवेचन करना है विश्लेषण करना है अब देखिएगा आगरा वो पुरुषोत्तम करंडक जिसकी बात हम लोग करते थे है ना तो इस पुरुषोत्तम करंडक में होने वाली या प्रदर्शित करने वाली जो हिंदी की एकांकिया है उसका विवेचन आप लोगों को देखना है उसका विश्लेषण आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पर करना है पाठ्य पुस्तक में समावेशित एकांकिका का मंचन कर उसमें रंगमंच दृष्टि से आने वाली समस्याओं का विवेचन अब देखिएगा कि केवल आपको ये जो हिंदी श्रेष्ठ एकांकी है श्रेष्ठ हिंदी एकांकी उसे केवल पढ़ना नहीं है बेटा पढ़ना नहीं है हमने आपको बताया ना कि उसे तक के तौर पर उसका विश्लेषण करना है उसके समस्याओं का विवेचन करना है उसे अपने शरीर में अपने रोम रोम में अपनी धमनियों में उसे उतारना है अब अगला पॉइंट है रेडियो दूरदर्शन तथा विविध चैनलों पर प्रदर्शित होने वाली हिंदी एकांकियों के महत्व को आपको जानना है रेडियो को देखते हो सुनते हो कभी आपने रेडियो पर प्रदर्शित होने वाले उन सभी चैनल्स जो होते हैं उन पर प्रदर्शित होने वाली हिंदी एकांकियों के प्रभाव को देखा होगा उसके महत्व को देखा होगा कि किस प्रकार से वो जनमानस पर प्रभाव डाल देती हैं अभी अभी एक जागृति भावसार से बात हुई थी आ, हमने आपसे की थी नहीं नहीं एफआई बी की छात्रों को हमने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था आप लोग नहीं थे एक दिन जरूर मिलवाएंगे हम उस लड़की के साथ आप लोगों को कि किस प्रकार से वो आरजे में काम करती है किस प्रकार का उसका उत्तरदायित्व है हमारे जो नाट्य परंपरा है उसमें वो किस प्रकार का योगदान दे पाती है अलग अलग चीजों के माध्यम से तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा इसे आप लोगों को सभी को लिख लेना है ये आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए आपको सिलेबस केवल पढ़ना नहीं है श्रेष्ठ हिंदी एकांकिया केवल आठ है ऐसा मान के मत चलिए आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है और प्रैक्टिकल वर्क में केवल एक दो तीन नहीं बल्कि चार चार प्रैक्टिकल वर्क के साथ आप लोगों को सामने आने का प्रयास करना है इज दट क्लियर यस मैम किसी को कोई आश yes, कोई प्रश्न होते हैं no, तो मैम हाँ ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये पाठ्य पुस्तक दिए हुए पाठ्य पुस्तक आप लोगों के पास में हम हाँ बता देंगे कि यह कौन सी है आज स्कैन किया हुआ है ग्रुप पर डलवा देंगे प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा मतलब इकाई एक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा कि इकाई एक अब फिर से एक बार चलते हैं इकाई एक गई निर्धारित एक इस पर ही सवाल किए जाएंगे इकाई एक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब क्या उसमें बहुपर्यायी प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि प्रश्न भी है और प्रश्न के साथ साथ आपको अ बहुपर्यायी प्रश्न है उस सेकंड में एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दो में हम लोग देखेंगे कि इकाई फर्स्ट पर आधारित दीर्घोत्तरी माने ब्रॉड क्वेश्चन है बारह अंक के लिए पूछा जाएगा फिर से एक बार इकाई नंबर एक पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है तीन में से दो आपको लिखने हैं और बारह नंबर के लिए फिर से एक बार टिप्पणियां है इकाई नंबर एक पर वहां पर उन्होंने आ, स्पेसिफिक बताया नहीं है विश्लेषण करके नहीं बताया है कि पर्टिकुलर इससे एकांकी को आपको पढ़ना है मतलब जो आठ एकांकिया आप लोगों को पढ़ने के लिए दी गई है उन्हीं एकांकियों पर दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे लघुत्तरी प्रश्न होंगे उन्हीं पर टिप्पणियां होगी ससंदर्भ व्याख्या होगी इतना क्लियर हो गया पांच प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे और इकाई नंबर दो पर यह जो आपको प्रैक्टिकल वर्क है उसके लिए उन्होंने लिखा है कि यह प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों का होना चाहिए अब बारह 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 करते जाइए आप लोग काउंटिंग साठ नंबर आपके हो गए अब ये सब आप लोगों को लिख कर लाना है आज की तसिका में तो ये सिलेबस ओवरऑल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है इतना यदि क्लियर हो गया नहीं हुआ है आपका यदि कोई सवाल होता है तो प्लीज स्वागत है आपका आपकी सूचनाओं का आदर करते हुए हम सभी चीजों को आत्मसात करेंगे आगे के सूत्र आप लोगों के सामने रखते हैं आपको यदि कोई सवाल होता है तो पूछिए मंच खुला है आपके लिए किसी को कोई सवाल है नो मैम वेरी गुड हिंदी श्रेष्ठ एकांकी इसे लर्न करो और हिंदी श्रेष्ठ एकांकियों में निर्धारित एकांकियां कितनी है आठ आठ की आठ एकांकियां सबकी लर्न हो जानी चाहिए जो कंफ्यूजन हमने अभी अभी तैयार की थी दीपदान को तेजपाल चौधरी जी बता दिया माँ को जगदीश चंद्र माथुर बना दिया ऐसा नहीं होना चाहिए कल की ताशिका में ठीक है कल की तस्वीर जिनका नाम लेते हैं डरिए मत ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल नहीं डरना है लेकिन आप लोग भी उस तैयारी के साथ रहते हैं तो आपको प्रश्न जो बहुपर्याय के रूप में पूछे जाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसलिए सारी चर्चा हमने आपसे की ठीक है इतना क्लियर हो गया आपको yes, हाँ किसी नो मैम ओके मैम ठीक है फिर कल की काम में हम मिलेंगे सीधे निर्धारित एकांकियों की ओर चलेंगे दीपदान या एकांकी का परिचय आपको इन शॉर्ट में बताएंगे और फिर तुरंत अपन अपने निर्धारित एकांकियों की ओर चर्चा करेंगे सिलेबस ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर पहली जो सेमेस्टर में हुआ था थर्ड सेमेस्टर में मतलब आपके तृतीय सत्र में डाले थे आज फिर से एक बार डाल देंगे आप लोगों के पास लिखा हुआ कॉपी पर होना चाहिए कॉपी पर लिखने के पश्चात तुरंत आप गूगल क्लासरूम पर डाले कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने का प्रयास न करें ना आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को फुल मत करें गूगल क्लासरूम पर आपका सेव रहेगा लाइफ टाइम के लिए वहां पर नहीं कीजिएगा कोई भी ठीक है कल के काम में मिलेंगे आज के तासीिका में यदि कोई सवाल नहीं है तो हम यहीं पर रुकते हैं सवाल है किसी को नो मैम ओके चलिए। मिलते हैं कल के तासिका में बाय